व्हाट्सअप गाइस, अगर आपके पास DSLR है या मोबाइल है, फोटो कैप्चर करते हैं या वीडियो बनाते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ 12 कैमरा एंगल, मतलब कि दोस्तों जो आप फोटो कैप्चर करते हैं कौन सा एंगल आपको रखना चाहिए कैमरा एंगल को या मोबाइल को, उस एंगल को आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप बढ़िया से फोटो और वीडियो बना सकते हैं। अगर मैं कहूँ आप क्लोजअप मेरा लीजिए तो आप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपको पता नहीं क्लोजअप शॉट कैसे लिया जाता है। या दोस्तों मैं आपको कहूँ वाइट एंगल, इसी तरह दोस्तों बहुत सारे एंगल होते हैं। सिर्फ मैं 12 कैमरा एंगल के बारे में बात करने वाला हूँ, इसको आप जरूर यूज करिएगा फोटो या वीडियो बनाते वक्त। तो ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला कैमरा एंगल है वाइट एंगल। वाइट एंगल आप जानते होंगे कि जब भी वीडियो या फोटो कैप्चर करेंगे वहाँ पर दोस्तों आपको ज़्यादा चीज़ें दिखाना पड़ेगा, मतलब कि बहुत चीज़ें बैकग्राउंड में और सभी चीज़ें नज़र आना चाहिए, इसे कहते हैं वाइट एंगल। तो अगर आपसे कोई कहे वाइट एंगल पर वीडियो बनाइए, फोटो कैप्चर करिए, तो आप बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है वाइट एंगल क्या होता है। और जो सेकेंड कैमरा एंगल है, यहाँ पर आपको लॉन्ग शॉट लेना होगा। अब लॉन्ग शॉट कैसे लेना होगा, आपको फुल बॉडी दिखाना होगा किसी बंदे का। अगर आप फुल बॉडी दिखाते हैं तो उसे कहते हैं लॉन्ग शॉट। समझ गया दोस्तों, बहुत ही आसान है। कोई भी कहेगा लॉन्ग शॉट लीजिए तो आप फुल बॉडी उसका ले लीजिएगा, कैप्चर कर लीजिएगा फोटो या वीडियो बनाना, तो फुल शूट करिएगा बॉडी को। तीसरा कैमरा एंगल है मिडिल, मतलब कि दोस्तों यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं हमें, ये है मिडिल। आपको यहाँ पर कमर से नीचे के ऊपर जितना भी सर के बीच में, इसे कहते हैं मिडिल शॉट। और यहाँ पर मिडिल शॉट कहाँ पर यूज़ किया जाता है, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ या मैं वीडियो बना रहा हूँ वहाँ पर यूज़ किया जाता है। किसी को कुछ समझाना हो तो इसी तरह मिडिल शॉट को यूज़ किया जाता है। अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो आपको लॉन्ग शॉट को यूज़ करना होगा। वाइट एंगल पूरा फुल दिखाना है। अगर आप तीनों चारों जितने भी एंगल होते हैं सब कुछ समझ गए दोस्तों, तो आप एक अच्छे से फोटो और वीडियो बना सकते हैं। और नेक्स्ट है काउबॉय शॉट। यहाँ पर दोस्तों इस शॉट को, मतलब कि अगर आप घुटने से सिर तक कोई भी शॉट लेते हैं तो इसे काउबॉय शॉट कहते हैं। जितने भी ओल्ड फिल्में होते थे वहाँ पर काउबॉय शॉट लिया जाता था, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर सभी चीज़ें आपको नज़र साफ साफ आना चाहिए, बैकग्राउंड में क्या हो रहा है और बंदा कैसा है नीचे से ऊपर, ये सब दिखना चाहिए, इसलिए दोस्तों इस शॉट को यूज किया जाता है। और नेक्स्ट कैमरा एंगल है क्लोजअप। क्लोजअप में दोस्तों आपको शोल्डर के और सिर तक, यहाँ तक जितने भी आप चीज़ दिखाते हैं उसे कहते हैं क्लोजअप शॉट। अब दोस्तों ये कहाँ पर यूज़ किया जाता है, ये दोस्तों आप जैसे कि मैं डायलॉग बोल रहा हूँ तो यहाँ पर यूज कर सकता हूँ, या दोस्तों कोई भी एक्सप्रेशन दिखाना हो फेस का तो आप इसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आप क्लोजअप शॉट लेते हैं जो आपके फेस में एक्सप्रेशन है वो साफ साफ नज़र आता है आपके व्यूअर्स पे। अगर आपको क्लोजअप शॉट लेना है तो सिंपल यहाँ से स्टार्ट करिएगा सिर तक, तो यहाँ पर आप क्लोजअप शॉट बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। और जो नेक्स्ट एंगल है इसे कहते हैं डिटेल, या कह लीजिए दोस्तों एक्सट्रीम क्लोजअप। तो यहाँ पर दोस्तों होता क्या है, इसमें अगर आपको कोई माइक्रो चीज़ के फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करना हो तो इसे कहते हैं डिटेल एंगल। तो जैसे कि छोटी चीज़ अगर आप दिखाना चाहते हैं, बहुत ही छोटी चीज़ को बड़ा दिखाना चाहते हैं, तो इस एंगल को यूज़ किया जाता है। तो ये एंगल बहुत ही कमाल का होता है, क्योंकि दोस्तों जो आप आंखों से नहीं देख सकते हैं वो कैमरे की मदद से आप वीडियो में देख सकते हैं। और जो नेक्स्ट एंगल है दोस्तों, इसे कहते हैं लो एंगल। लो एंगल पर वीडियो बनाना या फोटो कैप्चर करना बहुत ही सिंपल होता है। ये क्यों किया जाता है, क्योंकि दोस्तों किसी बंदे का अगर आप फोटो कैप्चर कर रहे हैं लो एंगल पर, तो बंदा हमेशा, मतलब कि फोटो में हाइट को बढ़ाना, लंबा दिखाना, तो लो एंगल को यूज किया जाता है। और जो इसका अपोजिट है वो हाई एंगल है। अगर आप हाई एंगल पर वीडियो या फोटो बनाते हैं तो दोस्तों बंदा छोटा नज़र आएगा और आपको लगेगा कि वो कमज़ोर है, ऐसे दबा हुआ नज़र आएगा। हाई एंगल इसीलिए यूज किया जाता है। तो ये सब एंगल को, अगर आप इन सब एंगल को यूज करते हैं तो आपके फोटो और वीडियो बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल के हो जाएगा। और जो नेक्स्ट एंगल है वो है डच एंगल। डच एंगल दोस्तों आप यूज कर सकते हैं, मतलब कि कैमरे को इस तरह आप यूज करेंगे तो आपका जो फोटो है या वीडियो है कुछ इस तरह नज़र आएगा। ये दोस्तों फिल्मों में यूज किया जाता है इमोशनल को दिखाने के लिए दोस्तों, और ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया जाता है जैसे कि कुछ होने वाला है, तो यहाँ पर इस एंगल को यूज किया जाता है। और जो नेक्स्ट एंगल है ओवर द शोल्डर, मतलब कि यहाँ पर अगर दो बंदे हैं तो शोल्डर पर कोई वीडियो या फोटो कैप्चर कर रहे हैं तो सामने वाला बंदा फोकस में रहना चाहिए और आपका जो पीछे वाला शोल्डर है वो ब्लर होना चाहिए। तो कुछ इस तरह, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, कुछ इस तरह शॉट लिया जाता है ओवर द शोल्डर एंगल। तो ये फिल्मों में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा जहाँ पर बातें किए जाते हैं वहाँ पर दो कैमरा लगाए जाते हैं, एक इधर एक इधर।
तो शोल्डर के ब्लर होता है और सामने वाला बंदा फोकस में रहता है, तो दोनों कैमरा में आप इस तरह देख सकते हैं। नेक्स्ट कैमरा एंगल है पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब कि जो आप अपने आंखों से देख रहे हैं वही चीज़ आपको वीडियो में नजर आना चाहिए। जैसे कि आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं कि जो मैं देख रहा हूँ वही चीज़ आपको नज़र आ रहा है, तो इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब जो भी काम कर रहे हैं, जो भी आप नज़रों से देखते हैं, तो इस शॉट को लेना बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कैसे शॉट को लेना है। और लास्ट और बहुत ही दमदार ये वाला एंगल है, मतलब कि दोस्तों यहाँ पर एंगल नहीं कह लीजिए, ये दोस्तों आपको कई वीडियो को शूट करना पड़ेगा, इसे कहते हैं कट ऑफ बेस शॉट। कट ऑफ बेस शॉट को अगर आप बनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक शॉट लेते हैं, उसके बाद सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे शॉट लेके एक वीडियो बनाते हैं, तो उसे कट ऑफ बेस शॉट कहते हैं। उसमें आपको ट्रांजिशन भी देखने को मिलेगा, जैसे कि आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो सभी एंगल आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों मैं सभी एंगल पर वीडियो बनाता हूँ, मतलब कि सभी एंगल पर वीडियो शूट करके पूरा एक वीडियो बना देता हूँ, तो कुछ आपको इस तरह वीडियो नजर आएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। आपको ये जानकारी पता था या नहीं वो भी दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो कौन सा बनाऊं ये भी दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। सब कुछ कमेंट करके मुझे बताइएगा, तब दोस्तों मैं समझ जाऊंगा जो मैं वीडियो बनाता हूं आपको पसंद आता है। वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहता हूँ। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।